हे गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है करण, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। हिंदी में बात किया तो फायदे और नुकसान, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो चलो बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड बहुत तरीके के होते हैं, जिसकी लिमिट 15,000 से स्टार्टिंग होकर 5,00,000 तक होती है। क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। कोई कुछ सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो लेकिन उसके फ़ायदे और नुकसान नहीं देख, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड सबसे पहले फ़ायदे बताता हूँ आपको। कोई अपने जेब में कैश लेके जाना नहीं चाहता है, 1,00,000 तक, मतलब 10,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक कोई कैश ले जाना नहीं चाहता है और उसको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है, तो वो अपने साथ क्रेडिट कार्ड ले जा सकता है। जिसके ऊपर पासवर्ड लगा रहता है, 4 डिजिट का पासवर्ड लगा रहता है, जहाँ पे आप स्वाइप करके खरीद सकते हो कुछ भी। बाई चांस कहीं क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं होता है, लेकिन पेटीएम तो सब जगह यूज़ होता ही है। 99% इंडिया में पेटीएम यूज़ होता है, तो क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करके पेटीएम में लाया सकता है और उस पेटीएम से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड में हमें बहुत कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे कि वाउचर्स वगैरह, रेस्टोरेंट में 10% 15% डिस्काउंट। जैसे कि अमेज़ोन ही ले लो, SBI और HDFC का क्रेडिट कार्ड है आप लोगों के पास, तो अमेज़ोन से शॉपिंग करोगे तो 10% ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है 10% अमेज़ोन। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला लगाया जाए, जैसे कि आप कोई मोबाइल परचेज कर रहे हो 10,000 रुपीज़ का, अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है 10% ऑफ मीन्स 1,000 डिस्काउंट, मतलब 10,000 में से 1,000 आपका उसी सब इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 9,000 रुपीज़ का आपका मोबाइल मिलेगा। बाई चांस कोई 50,000 कोई 1,00,000 रुपये का आईफोन खरीद रहा है, उसमें 10% ऑफ, मतलब 1,00,000 रुपये में से 10,000 माइनस, मतलब 90,000 रुपये का मोबाइल वो आपको मिलेगा। ऐसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट तो ये हो गया, और इसको पेट्रोल पंप में भराया जाता है, वहाँ पर 2% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। अब बार बार इसमें शॉपिंग करते हो क्रेडिट कार्ड में, जिसमें आपको स्टेटमेंट जनरेट भी होता है और स्टेटमेंट में आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि 3,000 4,000 रिवार्ड्स पॉइंट मिल जाते हैं आपको, तो उससे आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, कुछ भी ईयरफोन्स वगैरह, मोबाइल कवर्स वगैरह, ये सब आपको मिल जाते हैं 100 परचेज पे। अगर एक क्रेडिट कार्ड पे आप 100 रुपीज़ का परचेज करते हो, उसमें आपको 2 या 3 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो सोच लो आप 10,000 50,000 का अब परचेज करोगे तो रिवार्ड्स पॉइंट्स कितने मिलेंगे, तो उस रिवार्ड्स पॉइंट्स को जनरेट करके हम कैश में बदल सकते हैं। और इसमें बहुत भी तरीके हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से हम कैश निकालना चाहते हैं, ये बताया मैंने आपको क्रेडिट कार्ड से कैश भी निकाला जाता है, तो कैश तो अभी बंद हो चुका है, तो उस क्रेडिट कार्ड के मनी को आप पेटीएम में ऐड कर सकते हो और पेटीएम के द्वारा आप किसी भी दुकानों पे, स्टोर्स पे खर्च कर सकते हो। अगर जेन्युइनली आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालोगे तो आपके चार्जेस कटेंगे, जब से आप पैसे निकालोगे तब तक, जब तक आप बिल नहीं भरोगे तब तक आपके चार्जेस लगे ही रहेंगे। पेटीएम से आप स्टेटमेंट जनरेट होता है, जो कि हमें 30 डेज के अंदर में पेमेंट करना पड़ता है, मतलब आप 1.5 महीने का आपको टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड का पैसे को भरने का, मतलब आप 1.5 महीने आप इसको शॉपिंग कर सकते हो बिना कोई चार्जेस दे के। मतलब आपका जैसे जनरेट बिल जनरेट होगा उसके 10 दिन के अंदर में आपको बिल भरना होता है। अगर आप बिल नहीं भरोगे तो आपको इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, यदि आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, इसका स्टेटमेंट आया और इसका स्टेटमेंट आपने टाइम से नहीं भरा, तो आपको बहुत ही हैवी चार्जेस, फाइन चार्जेस, लेट पेमेंट फीस प्लस GST 18% आपको देना पड़ता है, जिसके आपका बहुत ही नुकसान है। आपका सिविल गिर सकता है, स्कोर गिर सकता है, आगे आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको देने नहीं चाहेगा। तो ये है उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स। मेरा भी बहुत वो लगा हुआ है इंटरेस्ट चार्जेस, लॉकडाउन की वजह से मेरा पेमेंट रुक चुका था, जिसमें मेरा बहुत ही हैवी चार्जेस लग चुका है। बस इसके यही नुकसान है। और ये भी नुकसान है कि आपके पास पैसे नहीं हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो
तो आपको ना खरीदते हुए भी आपको खरीदने का मन करेगा, क्योंकि तो आप सोचोगे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कोई नहीं शॉपिंग कर लेते हैं, अगले महीने पैसे दे देंगे। लेकिन जब अगले महीने पैसे देने की बारी आती है, लेकिन उस समय तो जेब में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उस समय हमें सोचना पड़ता है क्यों हमने शॉपिंग किया, क्यों किया हमने। तो ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कोई कोई लोग इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट बढ़िया से लेते हैं। जैसे कि बस कोई बिजनेस करना चाहता है 0 से 20 1 लाख रुपीज़ तक का, जैसे कि 1 महीने तक अंदर में कोई सुलझा सकता है। जैसे कि आज 20,000 30,000 रुपये का अमाउंट इसने खर्च कर दिया, क्या पता उस 10,000 से 20,000 रुपये के उसने 20,000 का उसने 25,000 बना लिया, वही 1 महीने के बाद उसको बिल भरना है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कमाते हैं। मेरे पास अभी 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, SBI का, इंडसइंड का और ये HDFC का है, जो कि बहुत ही सही है। तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको क्रेडिट कार्ड मंगाना है, सबसे पहले तो आपके पास ITR होना चाहिए। यदि आप ITR भरते हो तो आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड, या आपके पास या कंपनी में कोई काम करते हो आप, सैलरी स्लिप मिलती है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट किसी, जैसे HDFC का आपको मंगाना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड को फॉर्म फिलअप करना है, उसके अंदर नेम पता वता सब लिखना है। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आपको कॉल आ जाएगा, वो आपको डिटेल्स मांगेंगे, आपसे पूछेंगे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके पास वो बंदा आएगा आपको वेरीफाई करने के, तब तो आपको नॉर्मली बन सकते हैं। यदि आप वैसे नहीं बना चाहते तो आप बैंक के थ्रू जाकर बनवा सकते हो। बैंक में जाके उनको बोलो कि हमें क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो आपको सिंपली हेल्प कर दिया करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।